एक बात बताओ, भूल गए, ले बता। पर्चा ना माने बीमारी होए घर में, रोगी होए घर में, हम मिल नहीं पा रहे, एक उपाय लिख लो, नोट कर लो, घर पे नारियल बांध के लाल कपड़ा बांध दो, रोगी के नाम से नारियल बांध दो बागेश्वर बालाजी के नाम को, और एक चौपाई हम तुमको हनुमान चालीसा की बता देते हैं जो बहुत पावरफुल है, सब लोग गाते हैं, नास रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा। इस चौपाई को 108 बार बोलकर 5 आहुति इसी चौपाई की देकर कटोरी में गंगा जल रखकर रोगी व्यक्ति को फूंक लगाकर पिला देना, 40 दिन में दवा असर करने लगेगी और रोगी को आराम लगने लगेगा। अब दूसरा उपाय सुनो, जिनके काम नहीं हो रहे, बिजनेस व्यापार मंगल काज विक्रय दुकान घर में बहुत ज्यादा उपद्रव मचा है, तो वो उपाय सुन लो। किष्कंधा कांड रामायण की एक बड़ी पावरफुल चौपाई है जो सन्यासी बाबा ने हमको उपाय में दी है। चौपाई कौन सी? कवन सुकाज कठिन जग माही और जो नहीं हो ही, क्या तात तुम? इस चौपाई का 108 बार पाठ करो, 5 आहुति इसी चौपाई की दो, और महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार, 5 महीने में एक बार बागेश्वर धाम की पेशी करना प्रारंभ कर दो। जाओ, आज के बाद कोई भी काम नहीं रुकेगा, जहां जाओगे झंडा गाड़ कर आओगे। अब काऊ के घर में भूत लगे, गुनिया के चक्कर में बहुत घूम लिया, झाड़ फूंक बहुत करवा ली, रुपया बहुत बर्बाद कर दिए, परेशान ना हो, सुनो, प्रेत बाधा हो, एक बीज मंत्र देते हैं बागेश्वर धाम का, नोट करो, अपने अपने मोबाइल में भी कर लो, बोलो ओम बागेश्वराय बीर बीराय हुम फट स्वाहा। ओम बागेश्वराय बीर बीराय हुम फट स्वाहा। एक बार फिर बोल दो, ओम बागेश्वराय बीर बीराय हुम फट स्वाहा। इस मंत्र को आप 108 बार बोलकर, 5 बार बोलकर काले रंग के कपड़ा में 5 लौंग रखकर रोगी को बांध दीजिए, तुरंत सन्यासी बाबा की सेना आ जाएगी, मार चमीटा भूतों को लाल कर दिया जाएगा। अब इसके बाद में उन्हें बागेश्वर धाम ले आइए। कहां? बागेश्वर धाम पर मंगलवार को बिना टोकन का दरबार लगता है प्रेत बाधा के लिए। हाँ, वहां तो हम मिले या ना मिले, और एक निवेदन है, हमसे जुड़ने की आवश्यकता नहीं है, जुड़ना है तो बागेश्वर बालाजी से जुड़ो, हम मिले या ना मिले, तुम धाम की पेशी करना प्रारंभ कर दो, तुम्हारे घर पर बागेश्वर बालाजी की सेना पहुंच जाएगी। हम तो बहाना है, हकीकत तो श्री बागेश्वर हनुमान जी हैं। कौन है बागेश्वर? बोलो सीताराम।